भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से दो दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। इस बार राहुल ने युवा दिवस के मौके पर स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए देश की आने वाली पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवाओं, आज राष्ट्र युवा दिवस पर हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को ही एक समृद्ध देश का आधार बताया था और पीड़ित एवं निर्धन की सेवा को ही सबसे बड़ी तपस्या बताया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि मौजूदा समय में वास्तविक मुद्दों से नजरें हटाकर भावनात्मक मुद्दों को ही राजनीतिक दुरुपयोग किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि मौजूदा समय में वास्तविक मुद्दों से नजरें हटाकर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश की जनता के साथ छल है। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी इस भावना को जाहिर करते हुए पोस्ट किया, देश के युवाओं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को ही एक समृद्ध देश का आधार कहा और पीड़ित एवं निर्धन की सेवा को ही सबसे बड़ी तपस्या बताया था। राहुल आगे अपने ट्वीट में कहते हैं, युवाओं को विचार करना होगा कि आखिर क्या होगी हमारे सपनों के भारत की पहचान, जीवन की गुणवत्ता या सिर्फ भावुकता, उत्तेजक नारे लगाता युवा या रोजगार प्राप्त युवा, मोहब्बत या नफरत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि आज वास्तविक मुद्दों से नजरें फेरकर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश की जनता के साथ छल है। राहुल ने आगे अपने ट्वीट में लिखा, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच युवा और गरीब पढ़ाई, कमाई और दवाई के बोझ तले दबा जा रहा है और सरकार इसे अमृतकाल बताकर उत्सव मना रही है। सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो गया है। उन्होंने कहा, इसीलिए अन्याय की इस आंधी में न्याय की लौ जलाए रखने के लिए मेरे साथ करोड़ों युवा न्याय योद्धा स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा से प्रेरणा लेकर न्याय का हक मिलने तक इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। सत्य जीतेगा, न्याय होगा। आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी 14 जनवरी से शुरू हो रही है, जिसकी थीम भी पार्टी ने न्याय योद्धा ही।